लोग, आज की वीडियो में मैं आपको आयशा खान की एक ऐसी वीडियो दिखाने वाली हूं जिसको देखकर उनके फैंस उन्हें काफी ज्यादा बुरा भला कह रहे हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शोबिज इंडस्ट्री की मरूफ अदाकारा आयशा खान के बारे में कौन नहीं जानता है, वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। आयशा खान अक्सर ही अपने फैंस के साथ अपनी पिक्चर्स और वीडियोस शेयर किया करती हैं, लेकिन हाल ही में आयशा खान ने एक ऐसी वीडियो शेयर कर दी है जिसकी वजह से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये वीडियो देख कर उनके फैंस काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए हैं और फैंस का यही कहना है की हम ऐसा सोच भी नहीं सकते की आयशा खान भी ऐसी हरकत कर सकती है। ये वीडियो दरअसल आयशा खान ने कल अपने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ शेयर की थी। इस वीडियो में आप सब देख सकते हैं कि आयशा खान अपने हस्बैंड दानिश तैमूर के साथ एक रोमांटिक पोज देते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन दरवाजे के उस पार आप सब देख सकते हैं कि आयशा खान का बेटा किस तरह से उनके पास आने के लिए रो रहा है और ये सब देखते हुए आयशा खान और दानिश तैमूर हंस रहे हैं। जैसे ही आयशा खान ने अपने फैंस के साथ ये वीडियो शेयर किया तो फैंस ने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, क्योंकि आयशा खान के मदाहों को लगता था कि आयशा खान अपने काम से ज्यादा बच्चों को इम्पोर्टेंस देती हैं। आयशा खान ने कई बार अपने इंटरव्यूज में बताया है कि वो अपने बच्चों की खातिर इंडस्ट्री को भी छोड़ सकती हैं। आयशा खान एक पॉजिटिव इंसान है और हमेशा ही उनसे एक पॉजिटिव वाइब आती है। आयशा खान न सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस है बल्कि मॉडल भी है। मेरे पास तुम हो ड्रामे सीरियल के बाद आयशा खान की फैन फॉलोइंग चुपके चुपके ड्रामे के साथ और भी ज्यादा बढ़ती चली गयी। आयशा खान के फैंस उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और आयशा खान को हर जगह ही बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है। ये कहना गलत ना होगा कि आयशा खान एक बहुत ही अच्छी माँ हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों की छोटी से छोटी खुशी को सेलिब्रेट करती हैं और आयशा खान ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना अपनी फैमिली के साथ पसंद करती हैं और आयशा खान की हर खुशी उनकी फैमिली के साथ जुड़ी हुई होती है। मैं आपको बताते चलूँ कि आयशा खान चाहे वो बर्थडे सेलिब्रेशन हो चाहे वो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो, हमेशा ही धूमधाम तरीके से सेलिब्रेट करती हैं। आयशा खान अक्सर ही अपने हस्बैंड दानिश तैमूर के साथ नया से नया फोटोशूट करवाती रहती हैं और उन्हें अपने मदाहों के साथ भी शेयर करती हैं। लेकिन आयशा खान ना बर्थडे सेलिब्रेशन पे किसी को बुलाती हैं और ना ही एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पर, जबकि दूसरी तरफ शोबिज इंडस्ट्री की बाकी एक्ट्रेसेस बहुत ही धूमधाम तरीके से अपनी बर्थडे एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करती हैं। चाहे वो छोटी खुशी हो चाहे वो बड़ी खुशी हो, हर कोई उनके इस इवेंट पे मौजूद होता है, लेकिन आयशा खान इन सब से बरक्स हैं और वो किसी को भी नहीं बुलाती हैं। मैं आपको बताते चलूं कि आयशा खान के इंस्टाग्राम पे 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इनके फैंस उनसे बेहद प्यार करते हैं, लेकिन अब जब ये वीडियो सामने आया है तो इन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल ये वीडियो आयशा खान ने फन के तौर पर अपने फैंस के साथ शेयर की जिसमें वो रोमांटिक पोज देते हुए अपने हस्बैंड के साथ दिखाई दी, लेकिन दरवाजे के दूसरे पार उनके बच्चे रोते हुए दिखाई दिए, जिस पर फैंस का कहना था कि आयशा खान को अपने बच्चों पे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है और वो इन्हें रोता हुआ देखकर किस तरह से हंस रही हैं। कुछ लोगों ने इस वीडियो को पॉजिटिव वे में देखा, जबकि बहुत से लोग आयशा खान को इस वीडियो की वजह से तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उन्हें बुरा भला कहा जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।